नमस्ते मित्रों, आज हम जानेंगे कि बहुत ही मार्मिक चीज़ें हैं ये। जैसे कि अभी आप सभी लोग जानते हैं कि रसिया और यूक्रेन, जिसको यूरोपियन देश भी कह सकते हैं, यूक्रेन दोनों की खूब लड़ाई चल रही है। और लड़ाई भी ऐसी कि बारूद वाली और मिसाइल वाली, अलग अलग प्रकार के। तो यूक्रेन में बड़ी बड़ी शानदार बिल्डिंगें हैं, चमकदार चमकती हुई सड़कें हैं, लंबी लग्जरी कार गाड़ियां हैं, सड़कों पर साइकिल तो क्या दुपहिया वाहन भी दिखाई नहीं देती, क्योंकि सबके पास महंगी लग्जरी गाड़ियां हैं, जो अच्छे मेडिकल कॉलेज भी हैं, यूनिवर्सिटी हैं। तभी तो मेडिकल शिक्षा के लिए भारत के हज़ारों छात्र यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं। यानी यूक्रेन के चारों तरफ संपन्नता है, अगर नहीं है तो सामरिक शक्ति, मजबूत सेना, आधुनिक हथियार और वहां की जनता में राष्ट्रवादी भावना। यही कारण है कि मात्र 2 घंटे में रूस ने यूक्रेन को घुटने टेकने के लिए कर दिया। सैनिक भाग खड़े हुए। यूक्रेन के राष्ट्रपति आम लोगों से युद्ध लड़ने की अपील कर रहे हैं। इसके लिए सारी पाबंदियां भी हटा दी गई है। यूक्रेन आम नागरिकों को युद्ध लड़ने के लिए हथियार देने की बात भी कह रहे हैं, पर मजाल यूक्रेन का एक भी नागरिक युद्ध लड़ने को तैयार हुआ हो, क्योंकि यूक्रेन के नागरिकों में इजराइल के नागरिकों की तरह राष्ट्रवादी की भावना ही नहीं है। वह तो ऐसो आराम की ज़िंदगी जीने के आदि हो चुके हैं। यूक्रेन के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बाज़ार, दुकान, ऑफिस सब बंद हो गए हैं। सब कारोबार चौपट हो गया है। कारखाने, फैक्ट्री सब बंद हो गए हैं। सब कारोबार चौपट हो गया है, कारखाने बंद पड़ी हुई है। अपनी जान बचाने के लिए सीमित संख्या के मौजूद बंकरों में छुप रहे हैं, अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन की शरण ले रहे हैं। यानी सब कुछ होते हुए भी यूक्रेन आज जिंदगी की भीख मांग रहा है। ये लेख भारत के उन लोगों को समर्पित है जो राष्ट्रवादी और राष्ट्रवादियों को गाहे बगाहे गालियां देते रहते हैं, तथा सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी और आलू प्याज टमाटर तथा मुफ्त की योजना को ही देश के विकास का पैमान मान बैठे हैं। यह लेख राहुल गांधी के उन लोगों को बयान भी आईना दिखाते हैं, जिससे अभी कुछ ही दिनों पहले राहुल गांधी ने कहा था कि सेना की मजबूती अत्याधुनिक हथियार के जाखीरें इकट्ठा करने से देश का विकास नहीं होता। राहुल गांधी जैसे मंदबुद्धि को रूस यूक्रेन युद्ध में शायद थोड़ी अकल आ जाए। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि उन मुफ्तखोरों को भी समझ आ जाएगा, क्योंकि किसी भी देश के विकास का रास्ता उसकी सैनिक ताकत, सीमाएं की मजबूत सुरक्षा और अत्याधुनिक हथियार से होकर निकलता है।